तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत सूबे में इस समय सबसे बड़ी आहट के साथ। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सरकार मंत्रिमंडल का दूसरी बार विस्तार करने की तैयारी में है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मध्य प्रदेश के तमाम अपने कार्यक्रमों को निरस्त कर दिया। अचानक राजधानी लखनऊ लौटी है। बताया जा रहा है कि सीएम योगी जिलों का दौरा करने के बाद करीबन शाम को 5:30 बजे राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं। आपको बता दें उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल का दूसरा विस्तार 28 या फिर 29 मई के बीच होना संभावित है। मंत्रिमंडल विस्तार का समय और तारीख अभी फिलहाल फाइनल नहीं किया गया, लेकिन तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पूर्व आईएएस एके शर्मा को डिप्टी सीएम या फिर गृह मंत्रालय मिल सकता है। तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश भाजपा की कमान इनको मिल सकती है, यानी कि प्रदेशाध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। भाजपा चुनाव में जाने से पहले बड़ा फेरबदल कर सकती है और इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि किस लेवल की तैयारियां हैं। मौजूदा कैबिनेट का जो आंकड़ा है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहा है। 9 राज्य मंत्री इस समय स्वतंत्र प्रभार संभाले हुए हैं। तो वहीं मंत्रिमंडल में 21 राज्य मंत्री हैं। चलिए इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ में यूपी उत्तराखंड संपादक के उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं। सर, जिस तरीके की अटकलें अब देखने को मिल रही हैं, विस्तार की चर्चाएं एक बार फिर से सियासी गलियारों में घूम रही हैं, राज्यपाल से मुलाकात भी हो सकती है मुख्यमंत्री की शाम को 5:30 बजे के करीब, यानी कि हमारी चर्चा के थोड़ी देर के बाद मुलाकात हो सकती है, इस बात की संभावना जताई जा रही है। देखिए पूजा, बिल्कुल सही है, राजनीतिक घटनाक्रम थोड़ा ये विलंब हुआ है। दरअसल ये सियासी कवायद तब शुरू हो गई थी जब एमएलसी के चुनाव हुए थे और अरविंद शर्मा को केंद्र से पीएमओ से यहाँ लाया गया था, उत्तर प्रदेश में उन्हें एमएलसी बनाया गया था। तब भी एक बार सियासी चर्चाओं ने जोर पकड़ा था और ये माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में अरविंद शर्मा जो है नए चेहरे हो सकते हैं। दो तरह की बातें उस समय थी, एक ये कि इनको उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है और दूसरा ये कि इन्हें सीएमओ में मंत्री बनाया जा सकता है जिस तरह से पीएमओ में मंत्री होते हैं। अब चूंकि बीच में कोरोना आ गया और तमाम सारे घटनाक्रम हुए तो ये सब चीजें थोड़ा इसमें देर हुआ, लेकिन अब चूंकि विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, ये माना जा रहा है कि कोरोना की वजह से बहुत सारी नकारात्मकता सरकार के खिलाफ हुई है, ऐसे में कुछ बदलाव, कुछ हलचल सियासी तेज की जाए। कार्यकर्ताओं का भी लगातार दबाव था तो इस वजह से जो नए समीकरण बने हैं वो ये है कि अरविंद शर्मा उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, उन्हें कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, महत्वपूर्ण विभाग मंत्रिमंडल में दिया जा सकता है, और केशव प्रसाद मौर्य जो इस समय उप मुख्यमंत्री है उन्हें हटा करके भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। स्वतंत्र देव सिंह इस समय प्रदेश अध्यक्ष है। स्वतंत्र देव सिंह को लेकर के संगठन में कई तरह की चीजें चल रही है कि उनसे कार्यकर्ता नाराज है या कार्यकर्ताओं से जिस तरह का कम्युनिकेशन उनका होना चाहिए वो नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य एक लोकप्रिय चेहरा है और दूसरा वे पिछड़ों की राजनीति करते हैं, तो पूरा जिस समय 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी उस समय केशव प्रसाद मौर्य ही प्रदेश अध्यक्ष थे और भारतीय जनता पार्टी 300 से अधिक सीटें जीत कर आई थी। उसके पीछे केशव प्रसाद मौर्य का ही चेहरा था और पिछड़ों का जो वोट बैंक जो कभी समाजवादी पार्टी का हुआ करता था वो सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी की झोली में आकर के गिर गया। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी किसी तरह की रिस्क नहीं लेना चाहती है, तो इसलिए केशव प्रसाद मौर्य को एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है। सर, इसके पीछे क्या ये रीजन माना जाए कि पंचायत चुनावों में जिस तरीके का रिजल्ट सामने आया है उसको देखते हुए ये फेरबदल किए जा रहे हैं, क्योंकि पहले ही जब अटकलों का बाजार गर्म था तो उस दौरान एके शर्मा का नाम ही बार बार निकल करके सामने आता था, विपिन बिहारी का नाम निकल करके सामने आता था, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह कहीं दूर दूर तक नाम नहीं था। क्या पंचायत चुनावों के रिजल्ट के बाद इन दोनों का नाम इंक्लूड किया गया है? नहीं, बिल्कुल पंचायत चुनाव का बिल्कुल असर हुआ है इसमें। पंचायत चुनाव में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जो भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद थी उस उम्मीद पर खड़ी नहीं उतरी है। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे, समर्थित प्रत्याशी थे, वे ज्यादा जीत कर आए हैं, तो निश्चित रूप से ये चिंता का सबब था। तो ये आपका कहना सही है कि केशव प्रसाद मौर्य को जो है अब लाया गया है, इसीलिए लाया गया है ताकि, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य का गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में और पिछड़ों में अच्छा दखल है, वे कार्यकर्ताओं पर भी अपनी मजबूत पकड़ रखते हैं, इसलिए केशव प्रसाद मौर्य का इस समय नाम एकदम से सामने आया है।
उस समय स्वतंत्र देव सिंह का नाम नहीं था क्योंकि स्वतंत्र देव सिंह उस समय नए नए प्रदेश अध्यक्ष बने ही थे, लेकिन अब चुनाव के समय कोई रिस्क भारतीय जनता पार्टी नहीं लेना चाहती, इसलिए ये तय किया गया है कि केशव प्रसाद मौर्य को पुनः प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी जाए ताकि सत्ता और संगठन दोनों में जो एक बैलेंस होता है वो बना रहे। जी पूजा, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपने समझा जाना कि किस तरीके से सूत्रों का बाजार, सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है कि जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। फिलहाल राज्यपाल से मुलाकात हो रही है और राज्यपाल से मुलाकात के बहुत बड़े मायने हैं। राज्यपाल मध्य प्रदेश में अपने तमाम कार्यक्रमों को रद्द करके सीधे राजधानी लखनऊ पहुंची हैं और अब से थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री भी राजधानी लखनऊ में होंगे और मुलाकात हो सकती है, विस्तार पर चर्चा हो सकती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी प्रदेश में लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं, वो अस्पतालों में जाकर मरीजों से मिल रहे हैं, बच्चों से मिल रहे हैं, हर विषय की जांच वो खुद कर रहे हैं बारीकी से। सीएम योगी ने आज सिद्धार्थनगर और बस्ती का दौरा किया। सबसे पहले सीएम सिद्धार्थनगर पहुंचे, यहां पर सीएम ने इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया है। साथ ही सीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक करी, करीबन 12 बजे तक कलेक्ट्रेट में मौजूद रहे। सिद्धार्थनगर में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करने के बाद हालातों का जायजा लिया, भविष्य की तैयारियों की समीक्षा की। आपको बता दें काफिला बस्ती के लिए रवाना हो गया, इसके बाद करीबन 2 बजे बस्ती सर्किट हाउस पहुंचे, यहां मंडल अधिकारियों से बातचीत हुई और लखनऊ के लिए अब से थोड़ी देर के बाद रवाना हो जाएंगे। बस्ती की तस्वीरें देखें, बारिश का मौसम था, बारिश हो रही थी, लेकिन सीएम के कदम नहीं रुके, तमाम जो कार्यक्रम तय थे वो अपने एग्जैक्ट समय पर हुए हैं। और जो बारिश आप देख पा रहे हैं बस्ती में, बारिश जो हुई है वो यास की वजह से हुई है, यास का इम्पैक्ट है, इसकी वजह से मौसम में तुरंत की तब्दीली है। सीएम योगी ने आदेश जारी करते हुए कहा कि नवनिर्वाचित तो ग्राम प्रधानों से 28 मई को संवाद करेंगे। प्रदेश के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों से विकास कार्यों को आगे बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करने वाले हैं। पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इस बात की औपचारिक जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि 28 मई को ग्राम प्रधानों से सीएम ऑनलाइन संवाद करेंगे और विकास कार्यों को लेकर चर्चा भी करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए हर संभावित तैयारी कर रही है। इसी क्रम में प्रदेश की योगी सरकार ने आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम एस्मा लागू कर दिया है। इसके साथ ही अब यूपी में सभी सरकारी सेवाओं में हड़ताल पर रोक लगा दी जाएगी। एस्मा लागू होते ही यूपी सरकार के अधीन सभी लोक सेवा प्राधिकरण निगम समेत सभी सरकारी विभागों पर यह आदेश लागू रहेगा। बताया जा रहा है कि कई विभाग अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने की तैयारी कर रहे थे जब कोरोना महामारी का खतरा अभी भी बरकरार है। ऐसे में कर्मचारियों को अब 6 महीने तक हड़ताल की अनुमति नहीं मिल सकेगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संजीव कपासिया राजधानी लखनऊ से हमारे साथ में लाइव जुड़े हैं। संजीव, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? एस्मा लागू हो चुका है और ऐसे में 6 महीने के लिए हड़ताल कर्मचारी भूल जाएं। उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से एस्मा लागू कर दिया गया है। कोरोना को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार बेहतर प्रबंधन करना चाहती है और चिकित्सा सुविधा में किसी तरीके की चूक उत्तर प्रदेश में ना हो, इसको पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सुनिश्चित कर लेना चाहती है। लेकिन जब ऐसे में 5 या 6 माह का चुनाव में वक्त बचा है तो कहीं ना कहीं सरकार की इस प्रक्रिया पर सवाल भी उठने खड़े हो गए हैं। लगातार जिस तरीके से विपक्ष ने कहा है कि जो कर्मचारी संगठन सरकार के विरोध करने की तैयारी कर रहे थे उसकी भनक सरकार को लग गई और सरकार पूरी तरीके से कर्मचारियों की आवाज को दबाना चाहती है। यानी कि अब 6 माह तक कोई भी कर्मचारी संगठन उत्तर प्रदेश की सरकार के खिलाफ किसी भी तरीके का प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। हालांकि सकारात्मकता की बात करें तो इससे उत्तर प्रदेश की जनता को यह फायदा होगा कि इलाज या फिर अन्य जो विकास की योजनाएं हैं वो अनवरत चालू रहेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं कर्मचारी संगठन जो अपनी मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो या फिर सुदूर जनपद जहां पर कर्मचारी संगठन विरोध कर रहे थे वो अब अगले 6 माह तक विरोध नहीं कर पाएंगे। पूजा, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया
संजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो कोरोना को देखते हुए इस समय ये अहम निर्णय लिया गया है सरकार की तरफ से। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी के भाई के सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर ईडब्ल्यूएस वर्ग में नियुक्ति के मामले में अरुण द्विवेदी ने इस्तीफा दिया, उसके बाद भी सियासी उठापटक खत्म नहीं हो रही है। अब आम आदमी पार्टी ने बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी की बर्खास्तगी की मांग करी है। गरीब कोटे में मंत्री के भाई के नियुक्ति का मामला उठाते हुए प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बुधवार को कहा, चोरी की घटना का खुलासा हुआ है, चोरी का माल बरामद हुआ है, मगर चोर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, मुख्यमंत्री तत्काल उन्हें बर्खास्त करें। मंत्री के पद संभालने के बाद करोड़ों की जमीनें खरीदी हैं, इसकी लोकायुक्त से वो शिकायत करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ राजधानी लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल के संविदा कर्मियों को नौकरी से निकाल दिया गया था। इस पूरे मसले के विरोध में केजीएमयू स्वास्थ्य कर्मियों का प्रदर्शन आज भी जारी है। अब इस पूरे मामले में डीजी हेल्थ डॉक्टर बीएस नेगी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कोविड में तैनात कर्मचारियों को प्रोत्साहन मिला था, उन्हें 25% का प्रोत्साहन भत्ता मिलना था, लेकिन अब नॉन कोविड कर्मी भी भत्ता मांग रहे हैं, जिसकी मांग को लेकर मांग पत्र शासन को भेज दिया गया। दूसरी तरफ संविदा कर्मियों की अगर माने तो अस्पताल में एक महीने पहले ही संविदा कर्मचारियों की भर्ती की गई थी, जिसके बाद आज अस्पताल प्रशासन की ओर से 100 से ज्यादा संविदा कर्मियों को निकाल दिया गया। तो वहीं इस नौकरी के निकाले गए कर्मचारी धरना प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनको रिज्वाइन नहीं कराया जाता वो धरना जारी रखेंगे। वहीं कोरोना महामारी को लेकर जहां पूरा देश जल्दोजहद कर रहा है, तो वहीं यूपी के गाजीपुर से एक ऐसा मामला सामने आया जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल यहां 6 डॉक्टर पिछले कई सालों से ड्यूटी से नदारद हैं, लेकिन विभाग की मिलीभगत से हर महीने लाखों रुपए की सैलरी उठा रहे हैं। इस बात का खुलासा जिलाधिकारी ने अपने एक जांच में किया। जिलाधिकारी मंगला सिंह ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से जनपद में तैनात डॉक्टरों की लिस्ट मांगी और फिर ट्रेजरी से डॉक्टरों के वेतन के भुगतान हुए लिस्ट निकलवाई गई, जिसमें सभी डॉक्टरों के वेतन का भुगतान किया गया था। दोनों लिस्टों में 6 डॉक्टर ऐसे मिले जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी की ओर से लिस्ट में उनका नाम शामिल ही नहीं था, जिसके बाद जांच में सामने आया कि पिछले कई सालों से जिले में तैनात 6 सरकारी डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी से नदारद हैं और उनके वेतन का भुगतान किया जा रहा है। इन 6 डॉक्टर्स में डॉक्टर मनमोहन मिश्रा का नाम भी शामिल है। जनपद में ACMO के पद पर तैनात हैं, लेकिन पिछले 3 सालों से नदारद हैं और प्रति माह लाखों रुपए की सैलरी उठा रहे हैं। डीएम मंगला प्रसाद ने बताया कि सभी 6 अनुपस्थित डॉक्टरों में से 2 आ चुके हैं, संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कानूनी कार्रवाई इनके ऊपर की जाएगी। ऐसे में मैंने जिन जिन चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ की जहां जहां तैनाती थी उनकी अटेंडेंस कराई, उनकी उपस्थिति सुनिश्चित कराने के बाद ये पता चला कि कुछ डॉक्टर्स बिना अनुमति के मुख्यालय से बाहर चले गए। ऐसे में उनको सूचित कराया, कुछ लोग आ गए और कुछ लोग आने की प्रक्रिया में। जो लोग बिना अनुमति के और बिना सक्षम प्राधिकारी से अवकाश स्वीकृत कराए बाहर जाएंगे, निश्चित रूप से उनका यह कृत्य अनुचित माना जाएगा और उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई अमल में लगेगी। तो यह बात बिजनौर की, बिजनौर से तस्वीरें ऐसी सामने आई हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि क्या हम वाकई 21वीं सदी में हैं, जहां कानून से ऊपर पंचायत है। असल में जनपद बिजनौर के थाना कीरतपुर क्षेत्र के गांव गाजीपुर में एक ही बिरादरी के युवक युवती में प्रेम प्रसंग चल रहा था। 3 दिन पहले ही लड़के ने घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ये खबर पूरे गांव और आसपास के क्षेत्र में फैलने लगी। गांव वालों ने पंचायत बुलाई, जिसमें लड़कों ने कबूल किया कि उसकी वजह से ही लड़की ने आत्महत्या करी है। बिरादरी की पंचायत में लड़के को गांव में 5 साल ना रहने का फरमान सुनाया गया और भरी पंचायत में मृतक लड़की की बहन ने लड़के को चप्पल से पीटा है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। थाना कीरतपुर के गाजीपुर गांव में एक ही समुदाय के कश्यप समाज के लोगों द्वारा मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। इस संबंध में थाना कीरतपुर पर अभियोग पंजीकृत हुआ है। 306 IPC 141 143 506 IPC का विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें लगाई गई हैं। अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाए।
तो कानून से ऊपर पंचायत का फरमान, आरोपी युवक को चप्पल से पिटाई की गई है और ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश को वैक्सीनेशन के मामले में अव्वल स्थान मिला और सरकार भी वैक्सीनेशन को लेकर आक्रामक तेवर इख्तियार किए हुए है, लेकिन सिद्धार्थनगर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बढ़नी के उपकेंद्र औदही कला गांव से जो तस्वीरें सामने आई हैं उसके बाद आप सिर्फ एक ही बात कहेंगे, साहब ऐसे कैसे होगा वैक्सीनेशन। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस की त्रासदी से आज पूरा देश जूझ रहा है, कहीं अफरा तफरी तो कहीं हाहाकार का माहौल है, कहीं दवा नहीं तो कहीं ऑक्सीजन नहीं है, तो कहीं स्वास्थ्य विभाग ही नदारद नजर आता है। कोरोना संक्रमण से देश में न जाने कितने लोगों की जाने चली गई, कुछ मौतों को आंकड़ों में शामिल किया गया तो कुछ नदियों की धार में बह गए। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। अभी तक आपने राजधानी लखनऊ में 8000 से ज्यादा कोरोना मरीजों के लापता होने की खबर सुनी होगी, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है। यूपी के सिद्धार्थनगर जिले में चल रहे कोविड वैक्सीनेशन के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों की बड़ी लापरवाही का खुलासा हुआ। यहाँ कुछ लोगों को पहली डोज कोविशील्ड की तो दूसरी डोज कोवैक्सीन की लगा दी गई। पूरा मामला जिले की बढ़नी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां औदी कला गांव में लगभग 20 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज कोविशील्ड की लगाई गई, लेकिन 14 मई को दूसरी डोज लगाते समय स्वास्थ्य कर्मियों की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। स्वास्थ्य कर्मियों ने दूसरी डोज कोवैक्सीन की लगा दी। इस बात की जानकारी होते ही विभाग के मानो हाथ पांव फूल गए, हड़कंप मच गया। फिर क्या हुआ, वही जो हमेशा होता रहा है, सभी अधिकारी एक दूसरे पर गलती का आरोप मढ़ते रहे। मामला गरमाया तो विपक्ष को जैसे बैठे बिठाए मौका मिल गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में 20 ग्रामीणों को कोरोना की पहली और दूसरी डोज में कोविशील्ड और कोवैक्सीन की अलग अलग टीके लगाए जाना भाजपा सरकार की लापरवाही का निकृष्ट उदाहरण है। इससे प्रभावित लोगों को डॉक्टरी निगरानी में रखा जाए, इस तरह के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर किसका चित्र होगा। अब किसका चित्र वाला माजरा समझिए। असल में वैक्सीनेशन के बाद तमाम लोगों को जो सर्टिफिकेट दिया जा रहा है उसमें प्रधानमंत्री का चित्र है। इसको लेकर प्रियंका गांधी भी सरकार पर निशाना साध चुकी हैं। तो वहीं ग्रामीणों से जब इस पूरे माजरे के बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा वो भयभीत हो गए हैं। हालांकि कॉकटेल वैक्सीन लगने के बाद भी किसी को कोई स्वास्थ्य संबंधित समस्या नहीं हुई है। पहले लगी थी कोविशील्ड और दोबारा लगाया गया है कोवैक्सीन। दिक्कत तो डर तो हमेशा बना रहा, दूसरा खुराक लगा दिए इन लोगों ने, कोवैक्सीन लगा दिया, लगाना चाहिए ये कोविशील्ड लगाना चाहिए। तो अभी तो भी अंदर बना हुआ शरीर के अंदर है कि कुछ ना कुछ जरूर हो ना जाए। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के इस मामले को लेकर जब सीएमओ संदीप चौधरी से बात की गई तो उन्होंने स्वीकार किया कि लगभग 20 लोगों को स्वास्थ्य कर्मियों ने लापरवाही बरतते हुए अलग अलग वैक्सीन लगा दी है। जो भी दोषी कर्मचारी होंगे उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये चूक तो है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी कोई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है कि कॉकटेल लगे, जिसको जो पहला डोज लगना उसी को दूसरा डोज लगना, ये चूक तो है। जिसके लिए हमने इंक्वायरी ऑर्डर की थी और हमारे चिकित्सक वरिष्ठ चिकित्सक लोग जाकर उनको इंक्वायरी की, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी है और उस रिपोर्ट के आधार पर जिन जिन दोषी लोगों को मैंने उनका स्पष्टीकरण उनसे मांगे हैं और जैसा भी उचित स्पष्टीकरण जो भी न्यायपूर्वक रहेगा तो हमारे स्तर का होगा तो हम उस पर अपना एक्शन लेंगे। चलो ठीक है साहब, गलती तो मान ली, लेकिन मजबूर असहाय लोगों की जिंदगी का क्या, जिन्होंने आंख बंद करके भरोसा करते हुए बढ़ा दिया अपना हाथ और कहा लो साहब लगा दो टीका। और क्यों ना फिर लोग महकमे और वैक्सीनेशन के डर से नदी में छलांग लगा दे। जनता टीवी के लिए सिद्धार्थनगर से अजय कुमार और डेस्क से विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। We'll be right back.
गोरखपुर से श्रीनगर में गोरखपुर के लाल शहीद कमांडो नवीन सिंह का पार्थिव शरीर उनके पैतृक निवास सहजनवा पहुंच गया है। शहीद के पार्थिव शरीर को देखने के लिए गांव के लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। शहीद के पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटकर भक्ति गान के साथ नम आंखों के साथ अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। तो वहीं कमांडो की शहादत पर सीएम योगी ने भी दुख जताया है। सीएम ने शहीद के परिजनों को 50 लाख रुपए आर्थिक मदद के साथ परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया। आपको बता दें, शहीद नवीन सिंह श्रीनगर के कुलगांव में पहाड़ी पर राशन पहुंचाने जा रहे थे, जिस दौरान आतंकियों की ओर से हमले में गोरखपुर का लाल कमांडो नवीन सिंह शहीद हो गया।